कांग्रेस का 5000 नेताओं दौड़े मैदान में तो बीजेपी के 4000 पर ही अटक गए। कांग्रेस बार बार दावा कर रही है कि 4000 नहीं, हम 5000 ज्यादा नेताओं को देंगे। पता था कि जो लोग समझते हैं कि सरकारी नौकरियां में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा है तो उन्हें बीजेपी और कांग्रेस के विधायक बनने का सपना देखना अनिवार्य बताया जाता है। बता दें कि 5000 नेताओं के बायोडाटा कांग्रेस तैयार कर चुकी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 230 विधानसभा सीटों पर 4000 से ज्यादा दावेदार सामने करने के लिए आ रहे हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। विधानसभा चुनाव में प्रत्येक को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही असमंजस की राजनीति में है। जिस प्रकार की प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है उसे देखकर आम लोगों ही नहीं बल्कि बड़े बड़े नेताओं भी हैरान है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा विधानसभा चुनाव के प्रत्येक के चयन के बाद अलग अलग नेताओं से मुलाकात करने और बायोडाटा तैयार करने में जुटे हुए हैं। यहां तक कि कमलनाथ ने पूरा पुरजोर कर कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छे से अच्छे नेताओं को सीट दें ताकि हमारा कांग्रेस की सरकार फिर से वापस आए। कांग्रेस की सरकार का दावा कर रहे हैं कमलनाथ और जिस तरीके से हलफा मचाते हुए पूरा मध्य प्रदेश को घेरा हुआ है उसको लेकर बड़े बड़े दावे यहाँ पे खुलासे किए जा रहे हैं। 230 विधानसभा सीटों को लेकर के बड़ी बड़ी चर्चा किए जा रही है। सारे जगह पे कांग्रेस की जनता एकजुट हो रही है और उसको लेकर कांग्रेस आगे दावेदार बनाया जा रहा है। बता दें कि मध्य प्रदेश की 20 दलों की राजनीति में 18 सालों तक सत्ता पर काबिज बीजेपी भी दावेदार की कमी दिखाई दे रही है। बता दें कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में अभी उड़ाकू विमान बहुत तेज हो रहा है जनता के बीच और वो कांग्रेस को वोट दे रहे हैं उसके लिए बड़े बड़े खुलासे और 230 विधानसभा सीटों पर हाथ पकड़ने की बात कर रहे हैं। तो इसको लेकर आपके मन में क्या सवाल है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं।